यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पितृपक्ष के नौवें दिन श्रीमद् भागवत गीता का नौवां अध्याय। बंधुओं हर मनुष्य को पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता सुननी चाहिए और उसका फल अपने पितरों को दे देना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर तृप्त होंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा करने से आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। बंधुओं पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष में कच्ची लस्सी अवश्य चढ़ाएं और एक शुद्ध घी का दीपक ओम पितृभ्यो नमः बोलते हुए अवश्य अर्पित करें। बंधुओं यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो पितृदेव की जय, कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन तुझ दोष दृष्टि रहित भगत के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनियों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। इसीलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है, क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसा जान, हे अर्जुन कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। जैसे अपनी त्रिगुणमय माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से प्रतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बराबर उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म बंधन नहीं बांधते। हे अर्जुन मुझ अधिष्ठाता के सकार से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आशित हुए जो महात्मा जन है वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भगत जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो
मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई कोई बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि कर्तु अर्थात श्रोत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञ आदि स्मात कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ एवं मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा माता पिता और पिता मह हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अर्जुन, प्राप्त होने योग्य भरण पोषण करने वाले सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार ना चाहकर हिस करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप सबका आधार निधान अविनाशी कारण भी मैं हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ, वर्षा को आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत मृत्यु एवं सत असत भी सब कुछ मैं हूँ, परंतु जो तीन वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए स्काम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने अनजाने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्युलोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एकी भाव में मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भगत मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भगत मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भगत का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म आचरण रूप तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त मन वाला तू शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भगत हुआ मेरे को निरंतर भजता है वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है।
इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भगत नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना कि पुण्यशील ब्राह्मण जन, राज ऋषि भगत जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर, अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है परंतु है नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा ना करके अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में ना फंसकर निरंतर मेरा भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। मुझ शंख चक्र गदा पदम और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एकी भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राजगुह योग नामक नवा अध्याय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी श्रीमद् भागवत गीता पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।